नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल पैकेज पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 रुपए के नोट के बारे में। ऐसे डिजाइन में जो 3 रेयरेस्ट नोट हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, और साथ ही साथ रिंग बटन में क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। रेयरेस्ट नोट, जिसमें सबसे पहला शुरुआती रेयरेस्ट नोट है वो है 1964 का बूथलिंगम, एस बूथलिंगम का नोट है, और इसको प्रीफिक्स ए में इशू किया गया, और जो इंसर्ट यूज हुआ वो है बी इंसर्ट। 13 रीजनल लैंग्वेज के साथ इस नोट को इशू किया गया था, और इस नोट की जो सिंगल नोट की प्राइस है ना वो है 12,000 रुपीज, यानी 12,000 रुपए तक आपको एक नोट का मिल सकता है। इस नोट के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास इस नोट का बंडल अवेलेबल हो तो आप तो लखपति बन सकते हैं। इसी डिजाइन में जो दूसरा रेयरेस्ट नोट है वो है एलके झा का। इस नोट को 1957 में इशू किया गया, और बी इंसर्ट के साथ इसको इशू किया गया परफिक्स वाई के साथ। लिमिटेड एडिशन में बने होने के कारण इस नोट की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है सिंगल नोट की वो है 3,000 रुपीज, यानी इस नोट का बंडल भी आपको लाखों रुपये दिला सकता है। और जो लास्ट रेयरेस्ट नोट तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है केजी अंबे गोनकर का। ये नोट प्लेन इंसर्ट में इशू किया गया, 1951 में इस नोट को इशू किया गया। इसमें परफिक्स यूज हुए ए से लेके एन तक, और इस नोट की जो यूएनसी कंडीशन की अनसर्कुलेटेड कंडीशन की प्राइस है वो है सिंगल नोट की 1,000 रुपीज, बंडल में आपको ये लाखों रुपए दिला सकता है दोस्तों। तो ये 3 नोट हैं जो रेयरेस्ट नोट में काउंट होते हैं और जो आपको बना सकते हैं लखपति अगर आपके पास इनके बंडल अवेलेबल हो तो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। बस दोस्तों आपको करना क्या, आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए। एंड धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।